सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा के शतक से खुश हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में चल रहा सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबले का पहले दिन का खेल अब समाप्त हो चुका है, लेकिन यह खेल पूरी तरीके से भारतीय टीम के नाम रहा। आपको बता दें कि मुकाबले में टॉस जीतकर कप्तान विराट कोहली ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने के फैसले अक्सर भारतीय टीम के हक में नहीं रहते, लेकिन इस बार कहानी कुछ और थी क्योंकि मैदान पर भारतीय टीम की ओपनिंग करने के लिए आए थे भारतीय टीम के सबसे सर्वश्रेष्ठ ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा। और दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रोहित शर्मा ने अपने पहले मुकाबले में बतौर ओपनर प्रदर्शन करते हुए शतक जड़कर इतिहास ही रच दिया है। रोहित शर्मा की शतकीय पारी के बाद सारे विश्व में उनकी तारीफ की जा रही है और खास तौर पर भारत में तो उनके सभी फैंस काफी खुश हैं। दोस्तों बतौर ओपनर अपने पहले मुकाबले में टेस्ट फॉर्मेट में इस तरीके से शतक लगाने वाले भारतीय टीम के बेहद ही कम बल्लेबाज है, जिसमें अब रोहित शर्मा का नाम भी शुमार हो चुका है। साथ ही रोहित शर्मा ने शतकीय पारी के साथ साथ कुछ नायाब रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किया जिन्हें तोड़ना शायद के लिए मुश्किल होगा। लेकिन दोस्तों आपको यह भी बता दें कि शतक को जड़ने के बाद जब दिन का खेल समाप्त हुआ रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे तो उन्होंने कप्तान विराट कोहली से लेकर भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों के लिए कुछ ऐसा कहा कि सबका दिल जीत लिया। आपको बता दें कि मैच खत्म होने के बाद जब रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहुंचे तो वहां बातचीत करते हुए रोहित शर्मा ने कहा कि सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारी टीम के कप्तान विराट कोहली, कोच रवि शास्त्री और टीम के सभी मुख्य चयनकर्ताओं का। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपनी टेस्ट टीम के लिए भी ओपनिंग करने का दम रखता हूं। मुझे यह मौका दिया गया कि मैं टेस्ट टीम के लिए एक बार फिर से ओपनिंग कर सकूं और मैं इस मौके को भुना भी पाया, तो इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानता हूं। मेरा लक्ष्य हमेशा से ही अपनी टीम के लिए सबसे बेहतर ओपनर बनना रहा है और टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन करना रहा है। शतक खास तौर पर मेरे उन सभी फैंस के लिए एक भेंट है जो कि मुझे टेस्ट फॉर्मेट में ओपनिंग करता हुआ देखना चाहते थे। मेरे फैंस की बदौलत ही मैं आज इस मुकाम पर पहुंच पाया और मुझे पूरी उम्मीद है कि टेस्ट टीम के लिए भी मैं एक बेहतर ओपनर बन के ही उभरूंगा। दोस्तों रोहित शर्मा के इस भावुक बयान के बाद सबको यह तो पता चल गया कि रोहित शर्मा का दिल कितना बड़ा है। कप्तान विराट कोहली से लेकर उन्होंने सभी का धन्यवाद किया और खास तौर पर अपने फैंस को यह शतक एक भेंट के रूप में अनाउंस भी की। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा को अब आगे भी भारतीय टीम के ओपनर बनने का ही मौका देना चाहिए टेस्ट फॉर्मेट में या फिर नहीं? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।